हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका रफ़ी सर एंड आई होप आप मेरे सारे ट्रिक्स के जो वीडियो लेक्चर हैं उसको सही से फॉलो कर रहे होंगे, उसको सही से समझ रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक और नया ट्रिक देने जा रहा हूँ और डैट इज़ बेस्ड ऑन हाइड्राइड ऑफ 15, 16 एंड 17 ग्रुप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का या फिर सीईटी का एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। और ये बेसिकली ट्रेंड्स पे बेस्ड है, लाइक थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा या फिर बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर होगा, रिड्यूसिंग नेचर का क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा और इसके नेचर डैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा और बेसिक कैरेक्टर का। इस पे बेस्ड ये टोटल 8 ट्रेंड्स हैं, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही, जिसको मैं बहुत ही अपने सिंपल ट्रिक से आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपको निकालना हो तो उससे पहले, चूँकि मैं 15, 16, 17 ग्रुप के हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, तो यू नो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, जिसको इजीली हम नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार से याद रख सकते हैं। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम है, जिसको हम इजीली ओल्ड स्टाइल से टेलीफोन वर्ड से याद रख सकते हैं। और 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, जिसको हम इजीली हम फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर वर्ड से याद रख सकते हैं। और इन सब के हाइड्राइड को हमने लिख दिया है और नंबरिंग भी कर दी है, जो NH3 उसको 1 दिया है एंड सो ऑन, PH3 को 2, AsH3 को 3, SbH3 को 4 एंड BiH3 को 5। इस तरीके से मैंने नंबरिंग कर दिया है ताकि मुझे ट्रेंड लिखने में ईजी रहे। नाउ अगर थर्मल स्टेबिलिटी का आपको ट्रेंड लिखना है तो डैट्स वेरी सिंपल, 1 सबसे ग्रेटर होगा 2, 3, 4 एंड 5। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सेम ट्रेंड इसमें भी फॉलो करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, एंड सेम ट्रेंड यहाँ भी फॉलो करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो देख सकते हो थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड बनके तैयार हो गया और ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। वैसे ही बॉन्ड एनर्जी का भी सेम ट्रेंड रहेगा और ये भी डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज होगा। सो दोनों का ट्रेंड सेम रहने वाला है। सिमिलरली बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे, तो इसका भी ट्रेंड सेम ही रहने वाला है। इसलिए मैंने ये फर्स्ट 3 को ऐसे ही ऑर्डर में सीरियल नंबर से लिखा है ताकि आपको इजी रहे इसके ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन करने में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग नेचर। अब हम रिड्यूसिंग नेचर को कैसे करेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, इसलिए आप अब आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब साइन को रिवर्स कर देना है, इसमें भी 1, 2, 3 एंड 4, इसमें भी 1, 2, 3 एंड 4। जो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर होगा, ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, हेयर ऑल्सो 1, 2, 3 एंड 4, हेयर ऑल्सो 1, 2, 3 एंड 4। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कैसे याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को याद रखने के लिए मैं इसको रेड कलर से लिखा हूँ, क्योंकि यहीं पे एक्सेप्शन है और थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ। चाहे बॉइलिंग पॉइंट का आपको ऑर्डर पूछे या मेल्टिंग पॉइंट का, आपको मान के चलना है कि हर ग्रुप में जो फर्स्ट वाला है डैट इज NH3, फर्स्ट वाला आपको मान के चलना कि अभी हम कंसिडर इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये ऑर्डर में आगे पीछे होंगे। तब मैं हर ग्रुप में मान रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर वाला नहीं है,
और अगर वो नहीं है तो कैसे लिखते, तो डैट्स वेरी इजी। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर फिर आपको लिखना पड़ता सबसे ज़्यादा 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, ये आपको एज यूजुअल ऑर्डर लिखना पड़ता। 5, 4, 3, 2, 1 नहीं है तो 5 सबसे ज़्यादा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, डैट्स वेरी इजी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर 1 नहीं होता तो सबसे ज़्यादा 4, फिर 3, फिर 2। अगर सपोज करो यहाँ पे 1 नहीं होता तो सबसे ज़्यादा 4, फिर 3, फिर 2। डैट मीन्स अगर 1 नहीं है तो वी कैन से कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट में भी आप ऐसे ही लिख लें, सेम 5, 4, 3, 2। अगर 1 नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे, ऐसा मान के आप चल सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी आप लिख सकते हैं 4, 3, 2। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 4, 3, 2। तो आप ध्यान से देखो कि हमने माना में बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में कि 1 नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि 1 अगर आ गया तो कहाँ पे रखेंगे। 1 अगर आ जाता है तो उसको आप कहाँ पे रखना है, तो डैट्स वेरी सिंपल। ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आपको 15 ग्रुप वाले में ध्यान से रखना है और मेल्टिंग पॉइंट में 17 वाले में ध्यान देना है। इन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया है, 15 ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट में और 17 ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट में। उसको छोड़ करके 1, यू नो 1 नंबर 1 होता है वो सबसे आगे आएगा, तो इसलिए सब में आप क्या कर देंगे, 1 को आगे कर देंगे। जिसको मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया उसको छोड़ करके बाकी में नंबर 1 आगे हो जाएगा। नाउ इन दोनों में 1 कहाँ पे होगा, तो डैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे टोटल 5 नंबर है तो इसके बीच में इंसर्ट करना है, तो 5, 4 दो नंबर इधर हो गए, 3, 2 दो नंबर इधर हो गए, तो बीच में आपको इंसर्ट करना है 1 को यहाँ पे, 5 नंबर के बीच में, डैट मीन्स 5, 4 उसके बाद 1 आ जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट में अगर बात करें तो यू नो 2 से पहले 1 आता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है 2 से पहले 1। तो अगेन आई एम टेलिंग कि डैट्स वेरी सिंपल, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में ही एक्सेप्शन है। और उस एक्सेप्शन को कैसे याद रखेंगे कि आप मान के चलेंगे 1 आपके पास नहीं है, और अगर मेरे पास 1 नहीं है तो यूजुअल ऑर्डर होगा 5, 4, 3, 2, और अगर 4 होंगे तो 4, 3, 2। नाउ 1 रखेंगे कहाँ, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट 15 ग्रुप में वो मिडल में आएगा और मेल्टिंग पॉइंट 17 ग्रुप में वो 2 से पहले आएगा, बाकी सब में 1 सबसे आगे आ जाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डैट इज नेचर के बारे में, डैट मीन्स ये बेसिक होंगे या एसिडिक। तो 15 ग्रुप की जो हाइड्राइड हैं वो लोन पेयर होने की वजह से बेसिक होती हैं, और बेसिक करेक्टर का ऑर्डर एज यूजुअल 1 सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। डैट मीन्स डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ध्यान रहे ये मैंने बेसिक करेक्टर का लिखा है, डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। और 16 और 17 ग्रुप में आपको एसिडिक करेक्टर के बारे में पूछा जाएगा और वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डैट मीन्स 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3 एंड 3 से ज़्यादा 4, ये आपको एसिडिक का ऑर्डर है। और सेम ऑर्डर 17 ग्रुप में भी है, 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3 और 3 से ज़्यादा 4। तो ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर दिया है, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए डैट्स वेरी सिंपल और इजीली आप कर पाओगे, इसलिए मैंने इसको एक ऑर्डर्ड वे में सजाया है। पहले 3 में 1 ग्रेटर होंगे, डैट मीन्स डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, फिर 2 में, उसके बाद के 2 में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कैसे याद रखेंगे वो सिंपल वे में आपको समझाया कि सिर्फ फर्स्ट वाले में और इधर लास्ट वाले में मेल्टिंग पॉइंट में 1 को एडजस्ट करना है, बाकी सब में 1 आगे आ जाएंगे। और नेचर में एज यूजुअल ऑर्डर है, बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो ये ऑर्डर हो जाएंगे। डैट मीन्स एक्सेप्शन सिर्फ आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में, और उसको कैसे याद रखेंगे हमने बता दिया है। तो आई होप इससे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे और आपका करेक्ट भी होगा। नाउ जाते जाते अगेन मैं 2 ज्ञान की बातें आपको बताना चाहूँगा, और डैट इज़ वेरी सिंपल, जो प्रैक्टिकल फीलिंग भी आपको आएगी कि देखो अगर मैं बात करूँ जितने भी हाइड्राइड हैं उसमें सब में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है तो उसका साइज़ क्या हो गया, फिक्स, सब सेम साइज़ के होंगे।
और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा, उससे बड़ा फास्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी, उससे बड़ा बिस्मथ। तो ये मैंने उसी तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिकल फीलिंग दिलाने के लिए डायग्राम भी ड्रॉ किया है। और यू नो इट्स ए प्रैक्टिकल थिंग कि जो सिमिलर साइज वाले होंगे उसका पैकिंग अच्छा होगा, और अगर सिमिलर साइज वाले का पैकिंग अच्छा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, ये सब क्या होंगे, जनरली हाई होंगे। तो उसी कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ। यही रीज़न है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी पैकिंग अच्छी होगी, इसलिए इनका थर्मल स्टेबिलिटी या फिर बॉन्ड एनर्जी ये सब ज़्यादा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर फील करना हो तो यू नो कि ये बॉन्ड लेंथ क्यों डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा हो गया तो उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी। और ज्ञान की बात नंबर टू जो है, डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट आता है, और जनरली बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ज़्यादा आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी कहाँ, उसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा वर्ड याद रखना आपको, फ़ोन। फ़ोन का मतलब है कि अगर आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली, ध्यान रहे, हाइड्रोजन डायरेक्टली आइदर फ्लोरीन से अटैच हो या फिर डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच, सॉरी ऑक्सीजन से अटैच हो आपका हाइड्रोजन, या फिर डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच हो, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आ जाता है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन थे, जिसको कैसे याद रखना है हमने बात कर लिया। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो लेक्चर को सही से फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट के बारे में आइडिया दूंगा, और उससे रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।